हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट बुक है यूपीएससी प्रिपरेशन में, आपको पता है एटलस, तो सबसे पॉपुलर ए है ऑक्सफोर्ड का एटलस, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो उसका फोर्थ एडिशन अभी आ चुका है। ओके, तो फोर्थ एडिशन में क्या क्या खास बात है, मतलब सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें मैपिंग का जो काफ़ी रोल होता है। तो हमें यूपीएससी में पता है लाइक 4 to 5 क्वेश्चंस हर साल प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और मेंस में भी मैप से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुका है। तो इस ये तो नया फोर्थ एडिशन बुक ऑक्सफोर्ड ने निकाला है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें मिला। तो मेन हाईलाइट है अभी जो लाइक यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन दीव। ओके, ये जो रिसेंट जो चेंजेस हमारा जो मैप में हुआ है तो उसको इसमें इंक्लूड है, लाइक लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर वगैरह। तो लेटेस्ट चीज़ हमेशा पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके साथ साथ इन लोग आप जो ऑक्सफोर्ड का जो एरियल ऐप है वो डाउनलोड करके लाइक क्विज़ेस, एनिमेशंस, वीडियोस, गेम्स, वो सब चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्यूआर कोड कुछ स्कैन करना होगा, दैट इज सिंपल थिंग। ओके, तो इसमें आपको की फीचर्स इस बुक में क्या क्या है वो हम देखते हैं। क्वालिटी डिजिटल मैप्स आपको मिल रहा है। ओके, दैट आर एस्थेटिकली लेड आउट प्रोवाइड। ओके, दैट इज़ वन थिंग। जीएस टेक्नोलॉजी ओके प्रोवाइड्स लेटेस्ट अवेलेबल सोशियो इकोनॉमिक डेटा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, हमारा मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है जो सोशल इकोनॉमिक डेटा जो लेटेस्ट रहता है। ओके, एंड स्पेशल सेक्शंस ऑफ हिस्ट्री एंड मैप मेकिंग, कंसेप्ट ऑफ लाइक लैंड फॉर्म्स, बिगिनिंग ऑफ एटलस एंड ऑल। इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल थीम्स सच लाइक बायोस्फीयर रिसर्च, वेटलैंड, तो हमें पता है बायोस्फीयर वेटलैंड से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए जो एरिया कहाँ पे हो वो इसमें इंक्लूड किया है। टोटली 24 मैप्स ऑफ हिस्ट्री लाइक उस चीज़ इंक्लूड किया है, लाइक इन्फॉर्मेटिव सेक्शन ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री, दैट्स गुड। प्रोवाइड सिम्बल्स फॉर ईच प्लेस एंड नेम, लाइक स्टूडेंट फ्रेंडली, ईजी टू यूज विथ पिक्चोरियल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कंटेंट्स फुल्ली अपडेटेड एंड रिवाइज इंडेक्स, दैट इज वन ऑल्सो ग्रेट थिंग एक्चुअली। उसके साथ साथ आपको मैप मिल रहा है, वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप आप इसका अंदर आपको मिल रहा है, काफ़ी हाई क्वालिटी मैप है और काफ़ी लाइक पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा भी है एक्चुअली, काफ़ी सारा स्टूडेंट ये यूज़ कर रहे हैं। ये इसके साथ फ्री मिल रहे हैं, काफ़ी दोनों है, एक साइड में वर्ल्ड मैप है, एक साइड में इंडिया का मैप है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा प्रीवियस रिविजन एडिशन का मेरे पास अवेलेबल है, इसलिए मैंने निकाला नहीं, तो आप लोगों को दिखा दूंगा उसके बाद निकालेंगे। ओके, तो अभी हम बुक का अंदर जाते हैं, दो कैसे लाइक बुक काफ़ी साइज वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है, बट मोर देन सफिशिएंट है। तो लेटेस्ट एडिशन में और इसमें जो एरियल आप कैसे यूज़ करना है ऑक्सफोर्ड, उसका साइड में आपको मिल जाएगा। और ये बुक आप खरीदना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उसमें मैंने लिंक दिया है, तो आप फोर्थ एडिशन वहाँ से खरीद सकते हैं। ओके, तो इधर कंटेंट्स वगैरह लाइक इंडियन स्टेट्स, इंडिया थीमेटिक, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ओशियानिया लाइक पोलर रीजन्स एंड ओशियंस वर्ल्ड, तो इंडेक्स बेसिक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट इसमें है, तो मैं अभी दिखा दूँगा। पहला चीज़ तो कार्टोग्राफी के बारे में, कैसे मैप्स वगैरह, टाइप्स ऑफ मैप्स, और थोड़ा बहुत सोलर सिस्टम में डिटेल्स रहेगा। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेशन है, हमारे इंडिया का मैप काफ़ी डिटेल तरीके से इसमें दिया है, और इसका फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों भी है। तो फिजिकल मतलब आपका जो लैंड फॉर्म्स वगैरह सब कुछ इसमें, रिवर वो सब कुछ इंक्लूड है, रेंजेस वगैरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट इसमें आपको लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर का जो डिवीजन हुआ है वो प्रॉपरली इसमें डीमार्क किया है एक्चुअली। ओके, सो दैट इज़ वो लेटेस्ट अपडेशन इसमें है। तो ये दोनों मैप आप देख सकते हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी व्यू है, तो आप आराम से उसको पढ़ाई करने के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, और ऑक्सफोर्ड है काफ़ी जेन्युइन है इस चीज़ वगैरह इसमें। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग। और अलग अलग एरिया का उन लोगों ने फोकस करके, तो आप डिटेली इसको पढ़ सकते हैं। आपको पता है 6-7 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आना, मतलब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा एक मैप होना दैट विल बी रियली यूजफुल। उसके बाद लाइक वाइल्ड लाइफ एंड वेटलैंड्स के बारे में हमने बात किया, उसका मैप अवेलेबल है। ओके, सो ऐसा करके ये था, मतलब इंडिया के बारे में काफ़ी सारा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ऑल्सो प्रोवाइड किया है। तो हम धीरे जाके लाइक वर्ल्ड में चले जाते हैं, तो वर्ल्ड मैप का भी हमें देखना ज़रूरी है। ओके, तो इसमें वर्ल्ड में डिफरेंट लाइक एरिया, लाइक यूरोप का पॉलिटिकल है, लाइक बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता होना चाहिए वो सब चीज़ इसमें दी है। ए बुक काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू में बनाया हुआ है, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं, लाइक साउथ अमेरिका पॉलिटिकल, तो ये सब कंट्रीज़ वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सब पता होना चाहिए, आजू बाजू में क्या होता है पता होना ज़रूरी है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। ओके, तो आप इसके लिए करंट अफेयर्स का हमेशा फॉलो करते रहे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कौन सा एरिया से क्वेश्चन आ सकते हैं करके। ओके, सो ये आगे हमारा वर्ल्ड मैप। ओके,
इसका मेन चीज़ है क्राउडेड नहीं है, काफ़ी प्रॉपर एंड सीधा तरीके से लिखा है, तो आपको समझने में काफ़ी आसान है। और आप ऐसे जो इम्पोर्टेंट सी वगैरह है जो इधर आते हैं उसको समझना ज़रूरी है, उसके आसपास में कौन सा चीज़ें आते हैं वो भी आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो दैट इज़ उसके बारे में, और वेल्ड के बारे में फिजिकल मैप भी प्रोवाइड किया है इसमें, और लाइक क्लाइमेट के बारे में, वेल्ड क्लाइमेट एंड ऑल। सो इट इज़ ऑल टुगेदर वी कैन से दैट काफ़ी बढ़िया बुक है। तो इस बुक का काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन में जो लेटेस्ट चेंजेस हो चुके हैं हमारा वो इसमें प्रोवाइड किया है एक्चुअली। तो उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, जस्ट आप इंटरेस्टेड हो देख लेना। इसमें क्या है, आप ग्लोब हमेशा साथ में रखना काफ़ी यूज़फुल रहता है, क्योंकि आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो एरिया आप आराम से उसमें देख सकते हैं कहाँ पे, मतलब वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रहा है काफ़ी एक्यूरेट आपको मिल जाएगा जो भी डेटा उसमें है। तो हमेशा एटलस ओपन करना या वॉर में जो चिपका हुआ चार्ट देखना, और इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो वॉर में आप चार्ट लगा सकते हैं, लाइक मैप का और कॉन्स्टिट्यूशन का एंड हिस्ट्री का जो टाइम लाइन है उसका भी डिटेल्स आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक ग्लोब काफ़ी यूज़फुल रहता है, जो पढ़ाई करने के टाइम थोड़ा बोरिंग हो जाता है तो आप ऐसे घुमा घुमा के देख सकते हैं वेल के बारे में, थोड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एक ग्लोब से आपका हो सकता है। तो मैपिंग में जाने के टाइम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़, दो बुक का भी बात आपसे करूँगा। ये है जो मेंस का जितना भी प्रीवियस 7 साल का क्वेश्चन पेपर है दिशा का, ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस आप इसका अंदर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। उसके साथ साथ जो 25 साल का यूपीएससी का जो प्रीलिम्स जो प्रीवियस ईयर 95 से 2019 तक जो सोल्ड पेपर है दिशा का, वो भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहे। और अभी हम बात करेंगे इसको कैसे यूज़ करना है आपका पढ़ाई में, वो ग्लोब को यूज़ करना है कि, और ये दोनों को कैसे यूज़ करना है पढ़ाई करने के टाइम। जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, लाइक न्यूज़पेपर में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी लाइक इंटरनेशनल एरिया में बात हो रहा है या इंडिया में कुछ जगह पे बात हो रहा है, कुछ रिवर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कुछ नया ब्रिजेस बन रहे हैं, कुछ नया हाईवेज बन रहे हैं, तो आप ज़रूर इसमें जाके थोड़ा देख लीजिए क्योंकि कहाँ पे वो एक्सैक्टली वो चीज़ हो रहा है। सपोज अभी लाइक आसाम में कुछ ब्रिज बन रहा है, तो आप देखो आसाम, देखो आसाम का मेन रिवर्स, देखो यार आसाम का जो नेबरिंग कंट्रीज देखना, नॉट कंट्रीज, नेबरिंग स्टेट्स देखना, तो आसाम का खास बात है क्या सब चीज़ उसको आपसे इसे मिल रहा है एक्चुअली। जैसे कोई भी न्यूज़ इंटरनेशनल में चल रहा है, लाइक रशिया और चाइना का बॉर्डर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसी एरिया में आप देखो कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके आसपास में, कौन सा कंट्रीज है, ये सब चीज़ आपको ये एटलस यूज़ करने से काफ़ी अच्छा आइडिया मिलता है। और कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते साथ में रखो, देखते जाओ मतलब कौन सा एरिया में प्रॉब्लम चेंजेस आ रहा है, अभी कुछ एरिया में कुछ क्लाइमेट चेंज का इशू आ रहा है, तो देखो कौन सा रीजन में आता है, कौन सा कॉन्टिनेंट में आता है। सो ये सब चीज़ आप डेली यूज़ करने वाला चीज़ है, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, ग्लोब भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ एक वॉल में जो चार्ट चिपकाता है ना जो मैप वगैरह, तो दिन में कोई 10-15 मिनट उसके सामने खड़ा रह लीजिए, तो धीरे धीरे मैपिंग आसानी से हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक दिन में बैठ के पूरा पूरा आपका मैपिंग स्ट्रॉन्ग आ जाए, ये तो डेली प्रोसेस है, आपको हर दिन इसका फॉलो करते जाना पड़ेगा एक्चुअली। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो जो भी हम जो लेटेस्ट रिसोर्सेस आ रहे हैं मार्केट में, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन, आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने के लिए कोशिश कर लूँगा। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आपको ये 2 या 3 दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन लोगों के लिए यूज़फुल हो जाएगा, हमारे लिए भी वो थोड़ा बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।